राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबर बोल। तो इस टाइम भाई पंजाबी कलाकार सोनिया मान जी है, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया था, तो पंजाब की बात करागे। राम राम जी। राम राम जी। और ठीक हो जी? एक तो हरियाणा में भी सीख लिया अपना आंदोलन में, तो किसान मशहूर हो गया, मतलब आंदोलन खत्म हो लिया, उसके बाद फिर बोला जा रहा आंदोलन शुरुआत होगी, क्या लगता है? पता नहीं जी, अगर अभी तक MSP तो फिक्स हुई नहीं है, MSP के ऊपर कमेटी बननी थी किसानों की, तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। सारे किसान तो इलेक्शन लड़ने में बिजी हो गए थे, कमेटी कौन बनाएगा, कौन कमेटी का मेंबर होगा बताइए? जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ी वो कमेटी के मेंबर होंगे और वो कमेटी बनाएंगे। जो मेंबर की बात है, गुरनाम सिंह चढ़ोनी उसमें मेंबर थे, बलबीर सिंह राज्यवाल उसमें मेंबर थे, वो इलेक्शन लड़ने में बिजी हो गए, किसानों की नहीं दिखी उनको? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती, हर किसी को अपनी अपनी है कि उनको लगता है इलेक्शन लड़नी चाहिए थी, उन्होंने लड़ी। पंजाब में एक भी सीट नहीं दिखा रहा जीत पोल में, कि जो किसान खड़े हुए थे इलेक्शन में, गुरनाम सिंह चढ़ोनी को 10 सीटें दी थी, उनको लड़ना ही नहीं चाहिए था, उनके लिए सही नहीं है इलेक्शन लड़ना, सही नहीं था। तो अब आँखें खुल जाएगी उनकी दोबारा से? हाँ बिल्कुल, आँखें खुलनी भी चाहिए। राकेश टिकैत ने बार बार बोला था किसान है इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए, किसानों को इलेक्शन नहीं लड़नी चाहिए थी। यूपी में क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? यूपी में देखते हैं अभी क्या होता है, हम तो यही चाहते हैं अखिलेश जी आए, देखते हैं अभी क्या होता है।